YouTube वीडियो को आप बैकग्राउंड में कैसे चला सकते हैं, आपको जरूरत पड़ रही होगी यदि आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं YouTube ऐप पे, ठीक है। और आप उसे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, आप अपना लॉक लगा देंगे और बैकग्राउंड में बजता रहेगा, ठीक है। तो वो सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कई तरीके बताऊँगा और यहाँ पे कोई भी तरीका आपके स्मार्टफोन में वर्क कर जाता है तो आप वहाँ पे बता दीजिए कि दूसरा नंबर वर्क करा है, तीसरा नंबर वर्क करा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊँगा जिसके लिए आपको अपने YouTube पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऐप है, ऐप का ऑप्शन खुलेगा या फिर आई बटन का, उस पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर इन पिक्चर का या फिर PIP का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर पिक्चर वाला ये ऑप्शन ऑन आपको कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप YouTube पे कुछ भी, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, कोई यहाँ सॉन्ग भी आप सुनेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कोई सॉन्ग यहाँ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया सॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं कोई भी सॉन्ग प्ले करूँ, जैसे कि यही मैंने प्ले कर दिया, ठीक है। कॉपीराइट के कारण मैंने वॉइस बंद कर दी है, ठीक है, पहले थोड़ा सुना देता हूँ आपको, ठीक है, कॉपीराइट के कारण। अब आपको क्या करना है, ये जो बटन है, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ वहाँ पे, जैसे कि अभी मैं कोई व्हाट्सअप यहाँ पे खोल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे ये व्हाट्सअप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी चैट वेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऊपर आपका सॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर सॉन्ग चलता रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी करते रहें, कोई भी वीडियो है, कुछ भी है यहाँ पे, जैसे मैं फिर से व्हाट्सअप चैट खोल लेता हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, और यहाँ से इसे आप हटा भी सकते हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे, इसे आप हटा देंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या है, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इस पे भी आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, यहाँ पिक्चर इन पिक्चर वाला ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से उस पर क्लिक करना है, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, ये आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, ये आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, ये आपको ऑन करना होगा। उसके बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर आप यूट्यूब सर्च करेंगे, ठीक है, YouTube.com, जैसे मेरे पहले से सर्च था, ठीक है, इसलिए अब यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड शार्ट ले लेंगे, ठीक है। उसका तभी मैं दिखाऊंगा, ये सर्च हो जाए, उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी गाना प्ले कर दीजिए क्लिक करके, या फिर ऊपर आप यहाँ पे एक सर्च बार मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाना भी आप सर्च कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे ही प्ले कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे ये अभी आप देखेंगे ऑन होगा ये, तो यहाँ पे ऐड आ रहा है, ऐड को हम क्या करेंगे, पूरा वॉच कर लेंगे। अब जैसे कि ये बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है इस तरीके से, और आपको यहाँ लॉक लगा लेना है। जैसे आप लॉक लगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे सुन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसी तरीके से सुन सकते हैं। ये मैंने आपको तरीके थे बता दिए हैं, अगर आपके फ़ोन में फिर भी कोई तरीका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको नेक्स्ट तरीका बता दूंगा, अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे और बोलेंगे तो।